बोलो ना सिद्धार्थ, बचा है क्या कोई रिश्ता? रिश्ता है रोशनी, रिश्ता है, एक अच्छे दोस्त का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे हमने कभी ठीक से बनाने की कोशिश नहीं की। क्या करें, तुम्हें पहली बार देखा, प्यार में पड़ गया, शादी हो गई, कभी एक दूसरे से दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का मौका ही नहीं मिला। आमतौर पे क्या होता है कपल्स के बीच में कि पहले वो मिलते हैं, फिर उनके बीच में दोस्ती होती है, फिर प्यार में पड़ते हैं और फिर शायद शादी। लेकिन हमारी जिंदगी में सब अतरंगी होता है, तो ये भी ऐसा ही हो गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से शुरू करते हैं। हाय, हम सिद्धार्थ खुराना। रोशनी पटेल, नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू टू। इतना स्माइल करने की जरूरत नहीं, मेरी फ्रेंडशिप इतनी आसान नहीं है। जानता हूं तुम्हारी दोस्ती बहुत मुश्किल होने वाली है, उसे बाद में देखेंगे। गाड़ी में बैठोगे? अभी तुम्हारी दोस्त की गाड़ी है। मोस्ट वेलकम। वैसे देखना, एकदम तुम्हारा BFF बन के दिखाऊंगा मैं। व्हाट्स दैट? What's that? तुम्हें नहीं पता BFF क्या होता है? Best friends forever. बहुत गर्ली लाइन नहीं मारी है? है, बिल्कुल है। अब एक गर्ल के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइन तो गर्ली मारूंगा ना। बैठो। आप लोगों ने तो मुझे एक झटके में पराया कर दिया। इतना कुछ हो गया, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मामी का एक्सीडेंट, मामा वापस आ गए हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं। कहाँ है मामा? वो यही होंगे अभी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार है मेरी तरफ से। कमरे में बैठे बैठे घुटन सी होने लगी मुझे तो, मैंने सोचा आप सबों के साथ खाना खा लिया जाए। आइए, फूड इज सर्व्ड आई थिंक। सैम, यही है तुम्हारे मेहमान है। कुछ दिनों के लिए। कैसी है बेटा? मैं अच्छी, आप कैसी हैं नानी? बिल्कुल ठीक हूँ। बैठ खाना खाने। आओ सब लोग। चल रोशनी आ जा बेटा, बैठ। सिद्धार्थ तू भी बैठ खाना खाने। थैंक यू नानी। मिसेस पटेल कल रात से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो मैं बुला के ला। नहीं, बैठ बेटा, मिसेस पटेल बहुत बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। रोशनी बैठ।
मैं देखती हूँ उसका खाना पहुंचा कि नहीं। मॉम, मैं सोचा था क्यों ना आप हमारे साथ आके रहें थोड़े दिनों के लिए। आप आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्यों सैम? एब्सोल्युटली मॉम, आप चलिए ना हमारे साथ। ऐसे कैसे चल सकती हूँ, वो भी तेरे ससुराल में। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी, आज के जमाने में क्या ससुराल क्या मायका, सब एक ही है। Exactly. I seriously think you should go. है ना रोशनी? Yes, of course. तो डील मॉम, खाना खाने के बाद मैं आपका सामान पैक करी और आप चल रही हैं हमारे साथ, ओके? भैया यहाँ है, पता नहीं कितने दिन का साथ है, ऐसे कैसे उन्हें छोड़ के चली जाऊं मैं? तबीयत भी तो उनकी ठीक नहीं है। सैम बेटा मेरी बात सुन, लिसन, अभी मेरा जाना मुश्किल होगा, सच कह रही हूँ। कुछ मुश्किल नहीं होगा मम्मी जी, बस आप चलिए हमारे साथ। यश बेटा, आई वुड लव टू कम, लेकिन समझने की कोशिश करो, अभी नहीं हो पाएगा। आप हमारी बात समझिए, चलिए हम संभालेंगे सब कुछ, क्या मुश्किल है? क्यों क्यों नहीं हो पाएगा मॉम? सैम बेटा, तू समझ क्यों नहीं पा रही, मैं अपने बड़े भैया को ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? आखिर तूने मुझे अपना भाई बुला ही लिया। क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खुलवाए, दरवाजा बंद। अरे यार, किसी ने सुने तो वाट लग जाएगी, दीवारों के कानों तो सुना नहीं आपने कभी। अरे बात को सीक्रेट रख, सीक्रेट। खोलूं? खोलूं? गुड। आपकी सास अटक गई थी, मेरी सास भी अटक गई है, उन्हीं को लाइन पे लाने के लिए सारा नाटक कर रहा हूँ। मोना बुआ, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ले, तेरे लिए खाना ले आई। रख दीजिए, थोड़ी देर में ले लूंगी। पता नहीं ये छिपना छिपाना कब तक चलता रहेगा। इट्स ओके मॉम, एक बार ठीक हो गया चला जाएगा ना घर से, इट्स फाइन, मैं खुद ही निकाल दूंगी उसे। आप लोगों की जिद थी ठीक है, लेकिन ये मेरा फैसला, मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। तब तक मैं अपने ऑफिस में और अपने कमरे में काफी खुश हूँ, इट्स ऑलराइट। ले, मैं तेरे लिए खीर लाना तो भूल ही गई। हाँ ठीक है, रहने दीजिए ना, शांति को इंटरकॉम करके मंगवा लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ ना तेरे लिए, ले आती हूँ। भैया, क्या आपको अंदाजा भी है कि आपने जो कुछ भी किया उससे हम सबको कितनी चोट पहुंची थी? अब भी आपने ऐसे झूठ बोलकर जो कुछ किया ठीक नहीं किया। मगर जो भी आपने किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया था। मैं जानता हूं मोना, तुम सबका मुझसे यूं खफा होना, यूं गुस्सा होना एकदम जायज है। गलती मेरी तो थी, लेकिन इसीलिए तो आया हूं पगली, ताकि एक बार सब कुछ ठीक कर सकूं, फिर जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। यहां भी नहीं है, कहां गए सब? भी अपने कमरे में नहीं है। इतने सालों के बाद परिवार का साथ मिल जाए, वो भी कुछ दिनों के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे पास ये सब कुछ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी भांजी है, और ये दो हैंडसम जमाई हैं। सॉरी, एक एक्स जमाई है। अरे यार, यही मसला है करा का।
पर डर लग रहा है, पता है? कहीं जब दुर्गा को पता लगेगा तो क्या करेगी? मेरी सास कैसे रिएक्ट करेगी? दुर्गा मुझे कभी माफ कर पाएगी या नहीं? अब सब ठीक होगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, भरोसा रखिए। क्या हो रहा है? क्या हो, क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ मोना जी, जी जी बड़ी माँ, क्या कर रही है जी? कुछ नहीं। क्या अरे यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आके खोलो। सिद्धार्थ क्या हुआ तुम्हें? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। सिद्धार्थ यू ऑल राइट? तुम चुप रहो ना। सिद्धार्थ नहीं नहीं डॉक्टर को मत बुलाओ, वो शायद इसके ना गर्मी हो गई होगी बहुत ज्यादा। ऐसे आप तुम चुप रहो ना। अब पानी पानी प्लीज। मैं लेकर आती हूँ। नानी 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 आप ले आइए, पानी लाइए आप। मैं लेकर आती हूँ, तुम चुप रहो। आज तो लगी गई थी वाट यार, दुर्गा की मम्मी ने आपका मुर्गा बना दिया होता और इसीलिए मैं आपको चुप रहने के लिए बोल रहा था। क्या हुआ, उठा था सिद्धार्थ? हाँ नहीं 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 तो हाँ उठा था, फिर गिर। तुम चुप रहो ना। पानी पानी नींबू पानी, ये नींबू पानी पिलाओ। नींबू पानी पिलाओ, नींबू पानी। अच्छा लग रहा है। बाजी मैं ले लेता हूँ। ये लो, अब ये पीना मत। नहीं संभाल के उठ जा बेटा। मैं उठा दूंगा। ध्यान से, ध्यान से। क्या क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या बेटा, वजन बहुत बढ़ गया है तेरा। सॉरी बेटा, चल ठीक तो है ना? तू एक काम कर, तू बैठ जा यहाँ बेटा, बैठ जा यहाँ। बैठ जा, बैठ जा। कैसा लग रहा है बेटा? चक्रा देख बेटा, देख बेटा, मैं तुझ पे कितना भी गुस्सा करूँ ना, फिर भी तुझे प्यार बहुत करती है। मैं ना तुझे गाड़ी नहीं चलाने दूंगी। तू एक काम कर, आज की रात ना यहाँ पर ही सो जाओ, के कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। हाँ तो आज आराम कर ले। हाँ आप चिंता मत कीजिए नानी, हम है ना यहाँ पर। तुम लोग दोनों भी ना आज की रात यहाँ पर ही रह जाओ। नानी तुम जी? फिर से यहाँ खड़े हो? ये मोना का कमरा है, समझे? ये मोना का कमरा? हाँ, तुम्हारा कमरा पीछे है। अच्छा, अच्छा। चलो पीछे जाओ, अपने कमरे में जाओ। हाँ, हाँ, समझे? आपका पीछे है, आपका। चल, हाँ। रह जाना यहाँ। हाँ बड़ी माँ, आप अपने ध्यान रखिए। मैं अपने रूम में जाती हूँ। हाँ जी, जाओ अपने कमरे में। मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा अपने कमरे। अरे तेरी तो, आज तो बच गए जूनियर। बच नहीं गए सीनियर, बचा लिया मैंने, वरना आप लोगों ने तो मिलके मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन ये झूठ वूट नहीं खेला जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, बहुत जल्द आपको ये झूठ वूट नहीं बोलना पड़ेगा। अब देखिए आपका जमाई करता है क्या कमाल। एंड ऑल ऑफ यू ऑल मीट मी इन द हॉल। पर सिद्धार्थ वो, अरे यार एक काम इस घर में बिना सवालों के हो सकता है? नहीं हो सकता। फाइन, नेक्स्ट टाइम बेहोश हो गए ना उठाने भी नहीं आऊंगी। मैंने बोला तो तुम्हें उठाने नहीं। नहीं नहीं, जाइए मीट मी इन द हॉल पीपल। चलिए आते।
कृतिका, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। हाँ प्लीज सॉरी। ये कौन सी फाइल है? ये फाइल कृतिका की फाइल है। हाँ मेरी फाइल है। बाय द वे मैं आप ही को ढूंढ रहा था। जी बोलिए। ये कुछ पेपर्स है, इन्हें ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाद में मुझे आप किसी भी चीज के लिए ब्लेम करें। मां साइन कर दो ना, थोड़ा जल्दी कर दो। राजी भी ना, आजकल कितना सुनाने लगे हैं मुझे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है? माँ की हैसियत से ही तो बेटे के लिए किया जो भी किया। दिखता ही नहीं इन दोनों को, जब देखो बस दोनों मुझे ताने सुनाते रहते हैं। चलो देखते हैं ना भाई। ओह माय गॉड, वो फाइल तो मैंने पेपर्स के साथ राज्य को दे दी। कृतिका माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार? हे भगवान, अब क्या हुआ? नॉक करना नहीं आता। कपड़े बदलते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई? मेरा घर है, कुछ भी करूं। एक तो बिना इनवाइट करे रह गए हो, ऊपर से फिर पराई लड़कियों के रूम में ताका झाकी कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? क्या पराई लड़की? तुम पराई लड़की? थोड़े वक्त, खैर मुझे कोई शौक नहीं है आने का। मुझे अपने दांत घसने थे, ब्रश करना था। टूथब्रश थोड़ी होगा, अब क्या तुम्हारे घर में ब्रश ढूंढता फिरूं मैं? तुम्हारे पास चला आया, मुझे लगा तुम्हारे पास है स्पेयर ब्रश। कितने बहाने हैं लोगों के पास यार। वैसे टूथब्रश का बहाना तो अभी खत्म हो गया, नेक्स्ट बहाना क्या है? टॉवल? इनवाइट कर रही हो। सो स्वीट। क्या है, कभी लड़की नहीं देखी? नहीं देखी है, लेकिन ऐसे पोलर बेयर जैसी नहीं देखी। शट अप। क्या करियो, क्या करियो भाई, सांप है वो। जो ब्रश करने के लिए पड़ोसी के मिरर में देख रहे हो और वहां पे खड़ी हुई खूबसूरत लड़की तुम्हें पोलर बेयर जैसी लग रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे मिरर में प्रॉब्लम है। खूबसूरत लड़की? कौन सी खूबसूरत लड़की? बोल तो ऐसे रहे तुम खुद तो वॉलरस जैसे दिखते हो तुम। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा वॉलरस क्या होता है। इट्स एन एनिमल। कोई बात नहीं, ब्रश फिनिश कर लो, बाहर में हॉल में लोगों को बुला देते हो। ओके ये लड़की जान से मार देगी मुझको, इतनी प्यारी क्यों है ये?
काश कि मेरी माँ समझ पाती मेरी हालत।